ओहो, अब क्या है? रुको, कजरी ने जो तुम्हें पैसे दिए वो मेरे थे। कजरी, अब देखिए बहन जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। खैर छोड़ो, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ पुलिस से पकड़वाने नहीं आई और ना ही वो पैसे लेने आई हूँ जो कजरी ने तुम्हें दिए थे, बल्कि मैं तो इससे ज्यादा पैसे दे सकती हूँ तुम्हें। बहन जी, आप किस कजरी की बात कर रही हैं? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप किसकी? काम क्या है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। अमिता, कम से कम मुझे बता कर तो जाया करो, मैं कितना परेशान रहता हूं। सॉरी अमित, लेकिन अगर सच घर के बाहर घूम रहा होता है ना, तो उसे पकड़ के लाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? बस अब थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। बस आप काफी थकी हुई लग रही हैं दीदी, हम आपके लिए पानी लाते हैं। वहीं रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम। कजरी, हर एक खेल ना किसी दिन खत्म हो ही जाता है, और आज तुम्हारे खेल के खत्म होने का दिन। नहीं अमिता, प्लीज, फिर से कजरी नहीं, प्लीज अमिता, फिर से नहीं अमिता, प्लीज। अमित, मुझे ये बात पता है कि जहां विश्वास नहीं होता ना, वहां सबूत की बहुत जरूरत होती, और आज मेरे पास सबूत है। मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। किसे मिलवाना चाहती हो बेटा? जिसके पास मेरे पागल ना होने का सर्टिफिकेट है। क्या कर रहे हैं? रिया दीदी, इनके बारे में हम बाद में जान लेंगे, पहले कजरी के बारे में जानना जरूरी है। चलिए, सबको हमारी प्यारी भोली भाली कजरी के बारे में सच बता दीजिए। देखिए, ये सच है कि मैं एक छोटा मोटा आदमी हूँ और चीजों की हेरा फेरी करता हूँ। कजरी ने मुझे कुछ पैसे और जेवरात दिए थे जो मुझे कहीं और पहुंचाना था, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। कजरी, ये कैसे उल्टे सीधे काम कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? रुको, क्यों अब सच नहीं सुना जाता? दीदी, आप हमें घर से निकालना चाहती थी ना, ये बात हम जानते थे, लेकिन एक बार आपने कह दिया होता
इतना बड़ा ढोंग करने की क्या जरूरत थी? एक बार कह देती हम चुपचाप चले जाते, कोई बात नहीं अब चले जाएंगे, हम शक्ल से हमारी तरह गरीब लगते हैं भैया, लेकिन क्या मिला आपको? एक एक दूसरे गरीब पर झूठा इल्जाम लगाकर, इसकी सजा आपको और कोई नहीं भगवान दे सकते, फिर भी हम तो गरीब के नाते आपका भला ही चाहेंगे। जा रहे हैं यहां से हम। रुक जाओ बहन, मुझे माफ कर देना। एक मिनट, क्या तमाशा क्या हो रहा है इस घर में, क्या चल रहा है ये सब? मैं बताता हूं सच क्या है। माफ करना बहन जी, इससे ज्यादा मैं किसी गरीब का दिल नहीं दुखा सकता हूं। आज यहां मैंने जो कुछ भी कजरी के बारे में बोला है, इसके लिए मुझे इन बहन जी ने पैसे दिए थे ताकि आप लोग कजरी को घर से बाहर निकाल सकें। क्या कह रहे हो तुम? क्या 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 बात कर रहे हो? मेरे से कुछ नहीं किया, मेरे यकीन कीजिए। बस करिए अमिता। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ये दोनों मिले हुए सच, मैंने खुद देखा है कजरी को इस आदमी को पैसों की गड्डी देते हुए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बता। नहीं साहब, पैसे तो मुझे इनसे मिला था, ये लीजिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी पाप की कमाई। मैं तुम्हें ज्यादा दिए थे, फिर इतने कम क्यों दे? अमिता, आ गया ना सच जुबान पर? हाँ? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अमित, ऐसी बात नहीं है। बस 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 अमिता, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, थकती नहीं है आप? इसके पहले कि मैं आपको पुलिस स्टेशन भेज दूँ, दफा हो जाइए यहाँ से। और अमिता, आप इतनी गंदी और इतनी घटिया हरकत करने के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हैं? विनती करते हैं आपसे, अमिता दीदी को कुछ मत कहिए, इन्होंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है ना, इन्हें अकेला छोड़ दीजिए। भगवान के लिए तो मेरे सुरांश के लिए आई, वो मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ, उसका नाम सुरांश है, और सुरांश बहुत जल्द मेरा हो जाएगा। रोना धोना हो गया हो तो थोड़ी सी बात कर ले।
कर ली मनमानी, हो गई तसल्ली। मेरी बात नहीं मानी ना, चलो कोई बात नहीं, अब जो कह रही हूँ ना उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना कि तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे बेटे को अपनी मर्जी से मुझे वापस दे दो, और फिर रहो ना अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी, तो फिर तैयार हो जाओ अपने पति और अपने बच्चे से, दोनों से एक साथ दूर होने के लिए। शाबाश कजरी, तुम्हारे हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। एक नौकरानी अनपढ़ गवार मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, धमकी दे रही है मुझे। कितना जानती हो मुझे, उतना ही ना जितना मैंने बताया। अरे अमिता दीदी आप खड़ी क्यों है, आइए बैठिए। अरे अपना ही घर समझो, नहीं खैर रही बात तुम्हें घर से निकालने की, तो उसके तो बहुत नजदीक पहुंच चुकी हूं मैं। हाँ अब देखो ना, घर के सारे लोग तो तुम्हें पागल समझते हैं, और पागल को कोई घर में नहीं रखता ना, लेकिन अगर तरस खा के तुम्हें घर में रख भी लिया तो घर वालों की नजरों में, उनके दिल में वो पहले वाली जगह बना पाओगी, और वो भी मेरे होते हुए। नहीं ना, परेशानी तो हम सबको पता है, जरूरत है उसका हल ढूंढने की। सही कहा आपने, और वैसे भी बेटा इंसान की जिंदगी में अच्छा बुरा दौर तो आता जाता रहता है। अब देखना अमिता जब ठीक हो जाएगी ना सारी बातें भूल जाएगी, है ना फाल्गुनी। I'm so sorry, लेकिन आप लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हो एक दूसरे को दिलासा देने में। अमित, जब अमिता खुद राजी है अपना इलाज कराने के लिए तो तुम उसे किस चीज का वक्त दे रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे जब एक पेशेंट दिमागी तौर पे बीमार होता है तो उसका इलाज उसकी सुविधा देखकर नहीं किया जाता, उसकी हालत देखकर किया जाता है। और ट्रस्ट मी, मुझे ऐसे लगता है कि इस वक्त अमिता को जल्द से जल्द एक दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। काकी प्लीज, बार बार अमिता के बारे में ऐसी बातें मत कहिए। ऐसी बात मतलब कैसे अमित, प्लीज इमोशनल होना अच्छी बात है लेकिन इस वक्त नहीं। हाँ तुम किस दिन का इंतजार कर रहे हो, अच्छा मुझे बताओ किस दिन का, जब अमिता कोई बहुत बड़ी अनहोनी कर देगी। पहले उसने रिया पे इल्जाम लगा दिया, अब कजरी पे लगा रही है, इस सिचुएशन में तुम उसको ठीक नहीं कर सकते। तो देखो बेटा, चिंता तो होती ही है
लेकिन चिंता ही समस्या के समाधान की ओर पहला कदम है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अमिता की फिक्र मत करो, लेकिन इससे पहले कि उसकी हालत हम सबकी पहुंच से बाहर हो जाए, तुम्हें मन पक्का करके उसका इलाज कराना होगा। नानी, आप शायद सही कह रही हैं। मैं डॉक्टर से आज शाम का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हेलो जी, अशोक जी, मैं अमित शाह बोल रहा हूँ जी। पेशेंट मेरी वाइफ है, अमिता शाह। थैंक यू डॉक्टर, मैं उसे 4 बजे लेकर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। आज जो हुआ वो अरे रिक्वेस्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अमिता। बस एक बार कह दीजिए कि आप समझ गई, कचरी के लिए जो भी आपने ड्रामा किया था वो सिर्फ आपके मन का वहम था। फिर सारे घर वालों से मैं बात करूंगा आपकी तरफ से कि अमिता को कोई भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, अमिता एकदम नॉर्मल है। बस एक बार कह दीजिए कि कचरी के लिए आपका मन बदल गया। नहीं, घर वालों की राय मेरे बारे में सही है। मुझे पागलों के डॉक्टर के पास जाने की सच जरूरत है। आप सभी लोग मुझे चाहे पागल कहे, लेकिन दुनिया में कोई भी मेरी राय कजरी के लिए नहीं बदल सकता। आप ही नहीं। ठीक है, यही जिद है ना आपकी, तो फिर ठीक है। शाम 4 बजे की मैंने अपॉइंटमेंट ली है, तैयार रहिएगा। अभी भी मेरे पास कजरी की सच्चाई सामने लाने के लिए पूरा 1 घंटे का वक्त है, और इस वक्त को मुझे सही से इस्तेमाल करना होगा।